इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कंजर्वेशन लॉ। आइए समझते हैं, चार्ज नीदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। चार्ज को केवल ट्रांसफर कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। किसी भी केमिकल रिएक्शन में चार्ज कंजर्व रहता है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। ऐसा मान लेते हैं ये Na पॉजिटिव है और ये Cl निगेटिव है और ये दोनों रिएक्शन करने के बाद बनते हैं NaCl। तो Na पर था प्लस वन चार्ज, Cl पर था माइनस वन चार्ज और रिएक्शन करने के बाद चार्ज हो गया जीरो। तो देखेंगे रिएक्शन करने के बाद चार्ज जीरो है, जबकि यहाँ पर कितना है प्लस वन माइनस वन। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है चार्ज जीरो। यानी कि रिएक्शन से पहले रिजल्टेंट चार्ज कितना था जीरो था, रिएक्शन के बाद भी कितना है चार्ज जीरो है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में चार्ज क्या रहता है कंजर्व रहता है। मतलब जितना चार्ज रिएक्शन से पहले होता है उतना ही चार्ज रिएक्शन के बाद भी होता है। तो पहले भी जीरो और बाद में भी जीरो। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। और ऐसा मान लेते हैं ये पॉजिट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है और जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तब बनाते हैं गामा रेज। तो पॉजिट्रॉन पर होता है प्लस वन चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस वन चार्ज। तो इन दोनों पर रिजल्टेंट चार्ज कितना है जीरो, क्योंकि वन माइनस वन जीरो होता है। तो देखेंगे रिएक्शन से पहले रिजल्टेंट चार्ज कितना है जीरो है, रिएक्शन के बाद गामा रेस पर चार्ज कितना होता है जीरो होता है। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस वन और पॉजिट्रॉन पर प्लस वन होता है, लेकिन रिजल्टेंट चार्ज अभी भी जीरो है और रिएक्शन के बाद भी जीरो होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब जितना चार्ज होगा उतना ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी जीरो था और यहाँ पर भी जीरो था। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थैंक यू।